दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनबॉक्सर वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ लड़कियों के बीच के एक हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है बॉडी हेयर्स। तो ये जो है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि वो अपने बॉडी हेयर्स को रखना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो उसको रिमूव करना चाहती है तो वो किस तरीके से रिमूव करना चाहती है, वैक्स कैसे करना चाहती है या ब्लीच कैसे करना चाहती है, या फिर कोई शेविंग क्रीम को या रेजर को यूज करके अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करना चाहती है। तो ये सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, अगर रिमूव कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। और क्योंकि मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे चाहिए होता कोई ऐसा तरीका जिससे कि मेरे बॉडी हेयर जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ना। तो उसका जो सॉल्यूशन मुझे मिला है वो है बी। तो बी जो है वो दो साइज में आती है, एक आती है हाफ बॉडी वैक्स और दूसरा आता है फुल बॉडी वैक्स। तो बी के अंदर जो है आपको मिलती है वैक्स स्ट्रिप, जो कि आपको आपकी जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। उसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैकेट टाइप की मिल जाती है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और कहीं पे एक्सेस वैक्स जो है वो रह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको मिलती है वाइप्स। तो ये जो है इंडिविजुअल वाइप्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो है आपको किट के अंदर मिलता है, 99 रुपीज़ में हाफ बॉडी वैक्स की किट आपको मिल जाती है और 199 रुपीज़ में फुल बॉडी वैक्स की किट आपको जो है मिल जाती है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये 1.5 mm के जो हेयर्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव कर देती है। और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, यानी 28 दिनों तक ये आपको एकदम स्मूथ स्किन देती है। और इसके साथ जो है बम्स पड़ जाते हैं या हीट इशू जो होते हैं वो भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये जो है कूल जेल वैक्स है जिसकी वजह से ये इशूज जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से जो वीट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात है ये जो है आपको किसी और के थ्रू यूज़ नहीं करनी पड़ती। लाइक आप सैलून पे जाते हो या किसी पार्लर पे जाते हो, वहाँ पे अपनी वैक्स कराते हो, वो झंझट जो है ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि कोरोना वगैरह हो चुका है तो मैं जो पार्लर का जाना अवॉइड करती हूँ, वहाँ पे पूरी सेफ्टी होती है। स्टिल मुझे जो है अंदर से थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे इशूज हो चुके हैं जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर लगता है। इसलिए मैं जो है घर पे ही ये सब करना प्रेफर करती हूँ। लाइक मेकअप अपनी थ्रेडिंग करना भी घर पे ही प्रेफर करती हूँ। वैक्स की बात करूँ तो वो भी मैं घर पे ही प्रेफर करती हूँ। और वी जो है मुझे एकदम पार्लर लाइक इफेक्ट देती है, एकदम स्मूथ स्किन देती है 28 दिनों तक जो कि चलती है। 1.5 mm के जो शॉर्टेस्ट हेयर होते हैं उनको भी रिमूव करती है। और ये सब कुछ मुझे मिलता है घर बैठे ही। इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और कोई भी जो नौसिखिया भी होगा ना वो भी इसको यूज़ कर लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे डेमो देकर दिखा देती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो लेती हूँ यहाँ पे एक कोल्ड वैक्स स्ट्रिप, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं करना होता, इसको हल्का सा अपने हाथों के बीच में गर्म कर लीजिए ताकि जो ये है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। आप इतनी गर्मी चल रही है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत गर्मी है, तो उस वजह से ये जो है स्टेप थोड़ा कम करना पड़ता है। आप तो इसे हल्का सा ऐसे रब करेंगे, उसके बाद जो है आप इसे पील कर इस तरीके से जो है दोनों स्टेप्स को इसको इस तरीके से स्टेप्स को अलग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से अलग हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपको अपने बॉडी जो हेयर्स हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर आपको नीचे की तरफ आ रही है तो आपको उसको नीचे की तरफ इस तरीके से जो है लगाना है, कुछ इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दो, यूं करके लगाना है आपको। और जब आप इसे लगा लेंगे तो हल्के हाथों से आप पूरी से अच्छे से इस तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद जो है आप इसको अपोजिट डायरेक्शन, यानी आपके हेयर जो अगर नीचे की तरफ है तो आपको ऊपर की तरफ पुल करना है इसको, बस इतना सही करना है। इस तरीके से आप जब देखेंगे यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है, तो यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और जो कुछ इस तरीके से आप कर देंगे तो आप देखेंगे, आप मेरे चेहरे से देख के पता चल रहा होगा कि मुझे इसमें बिल्कुल ही पेन नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक एक हेयर जो है वो आ गया है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। और अगर मैं पॉकेट की बात करूँ तो एक प्रॉपर फ्रेंडली भी हो जाती है, आपका एक एक हेयर जो है वो रिमूव कर देती है। अब यहाँ पे अगर हल्का फुल्का जो रेसिड्यू रह जाता है वैक्स का, उसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे वाइप्स मिलती हैं, आपको इसको यूँ फाड़ना है। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल वाइप्स जो है कुछ इस तरीके की मिलती है, इसको आपको ओपन करना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप इसको पोंछ लेंगे, तो जब इसको इस तरीके से पोंछ लेंगे आप तो आप देखेंगे जितना भी रेसिड्यू रह गया था वैक्स का वो सारा का ही सारा रिमूव हो गया है और आपकी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं एक एक बाल जो है हट गया है और ये जो है एकदम वैक्स बहुत ही अच्छे से कर देती है। और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, पॉकेट भी बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और यूज़ करना ईजी है। इस वजह से ये जो है मेरी पहली चॉइस बन जाती है। अगर मैं कहीं जल्दी में जा रही हूँ और मैं अपनी जगह लेना भूल गई हूँ तो उस टाइम पे 99 रुपीज़ के अंदर मुझे मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर साफ मिलते हैं, तो क्या बुराई है। अब फुल बॉडी वैक्स की किट भी मिल जाती है मार्केट में, और आपकी हाफ बॉडी जिसमें आपके दोनों हाथ और दोनों पैर जो है कवर
हो जाते हैं तो शॉर्ट्स अगर पहनते हैं उस टाइम पे भी जो है आप अपने पैर को आराम से दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए मैं कितने क्लीन एंड स्मूथ लेग्स हैं। अगर आपके मैं स्लीवलेस टॉप पहनते हैं तो उस टाइम पे भी आप अपने हाथों को दिखा सकते हैं कि मेरे हाथ कितने क्लीन है। पता नहीं दोस्तों ऐसा है या मुझे ऐसा फील होता है कि इसे यूज़ करने के बाद जो पेन है वो भी थोड़ा कम होता है और बॉडी के हेयर्स जो हैं बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, हीट बर्न्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, बम्स नहीं होते हैं और सबसे अच्छी बात है ये जो है एकदम से आसानी से हो जाती है और घर बैठे हो जाती है। मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप मेरी बात करें तो अगर आप बिगिनर हैं और मेरी तरीके से आपको जो है अपने आप को ग्रूम करके रखना अच्छा लगता है, इवन मुझे अपने बॉडी हेयर्स भी पसंद है। वैसे अगर मुझ पर कुछ काम नहीं होता है और मैं एकदम फ्री होती हूँ और मेरे पे काफ़ी कोई वर्क जो है पेंडिंग नहीं है उस टाइम पे मैं अपने बॉडी हेयर्स के साथ घूमती हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई कंटेंट बनाना है या कहीं पे कुछ ओकेजन वगैरह है वहाँ पे पार्टी वगैरह अटेंड करनी है और बॉडी वैक्स करनी है और मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ तो उस टाइम पे भी ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है यूज़ करने के लिए। और इसकी प्राइस जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि इस प्राइस रेंज में कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल जा रही हैं वो भी आसानी से अपने आप को ग्रूम करके रख सकती हैं, दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल अपने आप को दिखा सकती हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्टोर्स पे भी ये आसानी से आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके इसको मतलब परचेज करने को नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएँ और परचेज करें सिर्फ घर बैठे ही आ जाए तो उस टाइम के लिए मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से ये है आप खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बेटर वे है वैक्स करने का जिससे आपकी बॉडी जो है काफ़ी रिप्रेजेंटेबल लग सकती है और वो भी बिना किसी झंझट के, बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी, यानी आपको टाइम भी वेस्ट करना नहीं पड़ता है, आने जाने का टाइम बचता है और उसके बाद जो वैक्स को गर्म करके लगाने का और उसको हटाने का टाइम होता है वो भी कहीं ना कहीं आपका बचता है और ये जो है आपका टाइम सेविंग प्रोडक्ट भी हो जाता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइएगा और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस रिव्यू को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करिएगा ताकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स का जो रिव्यू है वो उनको भी मिल सके और ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो है उनका रिव्यू मैं डालती रहती हूँ। अगर वो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।